अजन इतिहास में पहली बार बहते देखिए मूत की धार, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबकी प्यास। जी हाँ, ये ऐसी प्यास, खबरों की प्यास, ये ऐसी प्यास है जो आतिक अहमद के मूत से बुझती है। और एंकर बताता है कि देखिए, डर के आगे हमेशा जीत नहीं होती। हम ये एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं कि डर के आगे जीत नहीं, आतिक अहमद का आज से टीवी मूत पत्रकारिता की शुरुआत हुई है। देखते ही देखते टीवी चैनलों पर आतिक अहमद के मूत की मोटी धार फिसलती चली जाती है। इसके बाद तो केवल स्वाद बताना रह जाता है कि नमकीन था या मीठा था, या था कड़वा, या था कुछ और। मूत्र पत्रकारिता की ताजा, गर्म और उबाल मारती धार से को समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है रीशु पाठक। आज मैं नोएडा फिल्म सिटी के तमाम टीवी चैनलों को बधाई देना चाहता हूँ। हम तो खाली सुनते ही थे आए थे कि पत्रकारिता की धार होती है और धारा होती है, लेकिन फिल्म सिटी के टीवी चैनलों ने बेकायदा इसे साबित कर दिया। जी हाँ, आज से टीवी में मूत्र पत्रकारिता की शुरुआत हुई है। आपसे भी अनुरोध है कि इस मूत्र पत्रकारिता की धार के लिए चैनलों को बधाई दी जाए। हंसिए मत, बहुत सीरियस मैटर है। मूत्र पत्रकारिता की ताज़ा, गर्म और उबाल मारती धार को समझिए। और मूत्र भी किसका, माफिया का। यकीन ना हो तो आज तक का एक वीडियो लाइव देखिए। बाएं साइड में ऊपर देखिए लिखा है लाइव, नीचे दाई तरफ लिखा है शिवपुरी झांसी कानपुर हाईवे से लाइव अफिला। और लाइव में आज तक दिखाया जा रहा है कि आतिक अहमद का मूत्र विसर्जन। ध्यान से देखिए, बाई तरफ आतिक अहमद सफ़ेद पगड़ी और काली चादर में अपनी क्रिया में तलीन है। आज तक वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक भी विजुअल मिस हो, और इसके लिए खास तौर पर हाई रेवोल्यूशन का कैमरा भेजा था। आप साफ देख सकते हैं कि इसमें आतिक अहमद आज तक पर लाइव मूत रहा है। और क्या मजाल कि आज तक वाले इस महान दृश्य को एक पल के लिए भी हटा लें। इस धार को आज तक वाले ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो आतिक अहमद के मूत की धार नहीं किसी पवित्र नदी का उद्गम हो। इस महान दृश्य को केवल आज तक नहीं, तमाम टीवी चैनलों ने लाइव दिखाया। रिपोर्टर आतिक अहमद के मूतने की सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे, एंकर उसकी इस क्रिया की बारीकियों को समझा रहे थे, और संपादक आतिक अहमद के मूत पर मगन हो रहे थे। आप कह सकते हैं कि टीवी वालों इस बात पर धन्य हो रहे थे कि आतिक अहमद ने हमारी पत्रकारिता पर मूत दिया, या साहित्य भाषा में कहें तो अपने दिव्य मूत से उपकृत कर दिया है। अरे आप तो लगे हंसने। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये बहुत सीरियस मैटर है। अच्छा, आप ही बताइए, आपने कभी सोचा था कि किसी टीवी चैनल पर मूत की ऐसी धार दिखाई जाएगी? नहीं ना, इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबकी प्यास। जी, आप प्यास, खबरों की प्यास, ये ऐसी प्यास है जो आतिक अहमद के मूत से बुझती है। आपको पता ही है कि उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस आतिक अहमद को अहमदाबाद के साबरमती जेल से लेकर रवाना हुई थी। 28 मार्च को उसको इलाहाबाद में पेशी है। साबरमती जेल से निकलते ही तमाम चैनलों के रिपोर्टर, ओवी वैन और गाड़ियाँ आतिक अहमद को लाने वाले काफिले के पीछे पड़ गई। रिपोर्टर पूरी रात पीछा करते रहे, लेकिन एक बार उसे वैन में नहीं हटाया गया तो कुछ किसी को ये भी नहीं पता था कि वो उसी में है या उसे किसी और गाड़ी में डाल दिया गया है, क्योंकि इन कई वैन और गाड़ियां काफिले के साथ चल रही थी। सुबह हो गई, रिपोर्टर परेशान, संवाददाता हल्क नैन कर बेजान, यार कुछ तो भेजो, ऐसा कैसे चलेगा। चैनल के रिपोर्टर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी रिपोर्टर खाली समय जा रहा था, पूरा काफिला शिवपुरी कानपुर हाईवे पर एक साथ रुक जाता है। आतिक अहमद को उतारा जाता है, 19 पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। चैनल के रिपोर्टरों को बताया जाता है कि आतिक अहमद बहुत दबाव में है। रिपोर्टर उसी के को चलाने लगता है कि हम भी बहुत दबाव में हैं, आतिक अहमद भी दबाव में है। लेकिन अब पुलिस वाले बताते हैं ये आतिक अहमद कुछ ही देर में दबाव मुक्त
हो जाएगा तो चैनल वालों ने अपने कैमरा उसकी तरफ ऐसे घुमा देते हैं जैसे रूस ने यूक्रेन की तरफ मिसाइल तानी हुई है। और इसके बाद शुरू होता है टीवी चैनलों के इतिहास में मुक्त पत्रकारिता का दुर्व्यवहार। देखते ही देखते लाइव टेलीकास्ट अपने चरम दौर पर पहुंच जाता है, या कहें ये गर्म और टीवी पर दिखाए जाने लगती है कि आतिक अहमद खेत की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो बहुत परेशान है, अब वो पैजामे का नाड़ा खोल रहा है और अब देखिए किस तरह उसने मूतना शुरू कर दिया है। और देखते ही देखते टीवी चैनलों पर आतिक अहमद के मूत की मोटी धार फिसलती चली जाती है। यकीन नहीं आता तो आज तक पर चली खबर की तस्वीर में देख लीजिए। रात भर की थका देने वाली यात्रा के बाद टीवी चैनलों के हिस्से में आतिक अहमद के मूत की जो धार मिली थी उसने उनकी खबरों की प्यास बुझा दी थी। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि आज तक वाले ने या दूसरे टीवी चैनलों ने ऊपर ये क्यों नहीं लिखा कि टेलीविजन इतिहास में पहली बार बहते देखिए मूत की धार। पूरे 53 सेकंड तक आतिक अहमद टीवी के सामूहिक पत्रकारिता और टीवी के संपादकीय सोच पर और टीवी मालिकों की समझ पर मूतता रहा और एंकर इसका ब्यौरा देते रहे। ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी के साथ आतिक अहमद के मूत की धार का ब्यौरा रिपोर्टर को मौका नहीं मिला, वरना आतिक अहमद के मूत्र के आगे परख नली रख देता और जब वो मूत लेता तो फिर नाप कर एक्सक्लूसिव पट्टी के साथ चलाता या आतिक अहमद के इतने मिलीमीटर का मूत्र विसर्जन किया है। एक डॉक्टर बैठा लेते स्टूडियो में, वो इतना कम कैसे मूता। एक ज्योतिषी भी बैठा लेते कि ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा में मूतने का क्या फल मिलता है। जैसे एबीपी न्यूज चैनल वालों ने 56 लोगों ने मिलकर साबित कर दिया था कि इंडिया को वर्ल्ड कप मिलने वाला है और अब मिलकर साबित कर देते कि आतिक अहमद का जो ये मूत है वो डर से निकला हुआ मूत है। और एंकर बताता कि देखिए डर के आगे हमेशा जीत नहीं होती, हम ये एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं कि डर के आगे जीत नहीं है, आतिक अहमद का मूत है। यकीन ना हो तो आज तक का टॉप बैंड देख लीजिए, आतिक अहमद चैनल पर चौड़े से लाइव हो रहा है और ऊपर लिखा जुबान और चेहरे पर लिखा खौफ, इसके बाद तो केवल स्वाद बताना रह जाता है कि नमकीन था या मीठा था या कसैला था या कड़वा था या कुछ और था। मुझे पता है आपको इस बात की पर उकाई आने लगी है होगी, लेकिन चैनलों को नहीं आती, उनके संपादकों को नहीं आती, उनके एंकरों को नहीं आती, उनके मालिकों को भी नहीं आती, उनके रिपोर्टरों को नहीं आती। मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि यह कोई घटना नहीं है साहब, कोई चूक नहीं है, कोई भूल नहीं है। आतिक अहमद ने टीवी पत्रकारिता की सामूहिक चेतना पर ही मूत दिया है। ये मूत टीवी पत्रकारिता की नई धार भी है और नई धारा भी। इस पर चैनल वाले दांत निपोर कर हंसे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इसके लिए पालिस पुरस्कार वालों को, फिल्म सिटी के चैनलों को सामूहिक रूप से स्पेशल अवार्ड देना चाहिए कि भाई कर कैसे लेते हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वाराणसी कवरेज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके